गलत में बैठे नहीं, हमने ट्रेन भी गलत बुक कर दी। Hey Sparkles, welcome back to my channel. तो आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी अच्छी सी शक्ल लेके। तो इस अच्छी सी शक्ल के पीछे एक थका हुआ इंसान है जो कि इन आँखों के जरिए आप लोग देख सकते हो। तो आज मैं ना पहली बार, मतलब मैं ट्रेनों में गई हूँ लेकिन ना बहुत कम, छोटे मोटे सफ़र के लिए, बहुत ही मतलब ऐसे ही समझ लो ना के बराबर। आज मैं पहली बार जा रही हूँ इतने लंबे सफ़र पे, मतलब जिसको आप सोच भी नहीं सकते कितने घंटे का, कम से कम 15 से 16 घंटे का सफ़र, दिल्ली टू मध्य प्रदेश। और मैं मध्य प्रदेश क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरे मामा की मम्मी के बुआ के चाचा के लड़के की बेटी के नंद के ताऊ के जो बेटे हैं ना वो ख़त्म हो गए हैं, मतलब उनकी शादी है, मतलब उनका क्या है, चोची क्या है, बाहर है, मुझे नहीं पता क्या है। तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और मैं कुछ भी चमकता धमकता नहीं पहनूंगी, ये पहन कर आऊँगी, ये पजामा पहनूंगी क्योंकि भाई बहुत गर्मी है। और ये ऐसी गर्मी में ये लाल टी शर्ट पहन के जा रहा है। पापा का पजामा पहन ले, ये भी पापा का ही है, गर्म है वो वाला, ये काला है इसलिए पहन रही हूँ मैं, और मोटा भी है, मोटा ये काला है ना तो खराब नहीं होगा। जितनी इसकी शक्ल भोली है ना, ये उतना ही चंट चतुर चलाक इंसान है। चुप, देख देख देख, ये इसको मैंने बुला के कल कुत्ते का मास्टर हूं मैं। अभी चल, अब हो गई हमारी लड़ाई, अब बाद में मिलेंगे। अरे मान जा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मान जा, मान, अरे मान जा ना। नहीं नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, मुझ पे रहम कर, बैठो। ओके गाइस, तो मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना तगड़ा वाला मेकअप जो कि मैं करके जाऊंगी, ठीक है? तो मेरे साथ बने रहे। पता है मैं पहली बार, किस किस को ट्रेन बस में उल्टी आती है, मुझे बहुत आती है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा रईस के औलाद है ना, जो हमें ट्रेनों में और बस में जाने की आदत नहीं है तो इसलिए हमको उल्टी आती है। अभी वैसे मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, और ऐसा कुछ भी नहीं कि हम रईस की औलाद है, हम इतनी ज़्यादा गरीब की औलाद है कि हमने आज तक ट्रेन में भी सफ़र नहीं किया, इससे ज़्यादा गई गुजरी बात क्या ही होगी। तो सनस्क्रीन लगा रही हूँ मैं क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा धूप होगी वहाँ पर, वहाँ पर क्या, यहाँ पर भी है। घर से बाहर निकलो, सूरज भैया, चाचा, मामा, मामा तो चंदा मामा होते ना, सूरज फूफा जी पीछे पड़े ही रहते हैं। बस अब जो इतनी सारी बची हुई है इसका क्या करूँ मैं, वापस इसी में डाल दूँगी, वेस्ट थोड़ी करनी है यार, वेस्ट करने की क्या बात है, इतनी सॉरी है भाई, तो ज़्यादा ही निकाल दी मैंने। मैं ये व्लॉग पता है क्यों बना रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस, इतने खचड़ पचड़ ना आती रहती है मेरे घर में, जितनी भी आलतू फालतू की आवाज़ आ रही है ना उन्हें इग्नोर करो, ठीक है? हर व्लॉग में मैं स्पेशली नहीं बताऊँगी कि मैं कंजड़ खाने में रहती हूँ और यहाँ से आवाज़ें आती हैं, तो आप खुद ही इग्नोर करा दो, ठीक है? तो मैं क्या कह रही थी, अरे क्या कह रही थी मैं, ये सनस्क्रीन लग गई है मेरी, अब मैं ना बनाना, और अब मैं लगा रही हूँ 5 वाली वैसलीन, क्योंकि ये जो सूखी सूखी ज़मीन है ना उसको गीला गीला करना है हमको। मैं कह रही थी कि हम इतनी गरीब की औलाद हैं कि हमने आज ट्रेन में भी सफ़र नहीं किया, और क्या करेंगे हम, कहीं जाना होता है तो हम लोग कैब का इंतज़ार नहीं करते, हम बस में जाते हैं, मम्मी और मैं फ्री जाते हैं, पापा अपनी 10 रुपये की टिकट लेते हैं, लेकिन फिर भी इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। ठीक है, सनस्क्रीन लगा लिया, अब दैट्स इट फॉर माई मेकअप, और कुछ भी नहीं करना है। वो लड़कियाँ पता नहीं कौन सी लड़कियाँ हैं जो इतनी भरी गर्मी में भी इतना मेकअप पोत के सर्वाइव कर लेती हैं। अब बारी आती है हमारे हेयर स्टाइल की, जिनको हम ऐसे खोल के जाएंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया बहुत गर्मी है, तो उनको हम जूड़ा बनाएंगे, जूड़ा 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 जूड़ा। तो मैं ये कह रही थी कि मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, और थोड़ा सा भारत की ट्रेनों को आपका हाल भी, आपको भारत की ट्रेनों का हाल भी दिखाना चाहती हूँ। दीदी वो मुंह पे लगाने वाला रख लो। रख लिया सब मैंने, यहाँ पे क्लिप लगानी पड़ेगी। मेरे पैर चुभो, मैंने कहा था थूक दूंगी खूब सारा तेरे पैर पे, मैं भी इतना सारा हक दूंगा आपके ऊपर।
बताते हो अभी पापा को? आपको मेरी कसम है। ये क्या होता है ये कसम? कैमरा मत दिला मेरा, थप्पड़ मारूंगी मुंह पे देके। ओ ओ ओ, आपकी हिम्मत भी नहीं है। अगर हिम्मत भी होगी ना दो, चल चुप रह, फालतू की बात मत कर, निकल यहां से, निकल 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 नहीं दूंगा, बोल क्या करोगी, निकल घोड़े पहली फुर्सत में निकल। अभी एक और चीज बाकी है, मेरा फ्रिज आवाज़ कर रहा है, इसका पेट ख़राब है, इसको दस्त हो रहे हैं, दस्त के साथ साथ ना ये भी हो रहा है, इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा पानी भी निकाल रहा है। तो अभी मैं एक एक कपड़ा लूँगी जिससे मैं अपना मुंह छुपाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा फेमस हूँ, इतनी ज़्यादा फेमस हूँ, मैं गली में निकलती हूँ सब लोग मुझे ही देखते हैं। ओह, डैशिंग नैन्सी आ गई, इसलिए मैं अपना मुंह छुपाती जाऊँगी। आपको नहीं खाना, चलो अब मिलेंगे, जब हम बाहर जाएंगे तब मिलेंगे। तो हम लोग घर से निकल गए थे ऑटो में बैठ के, और ये रहे सारे लोग, और हमारे साथ थे हमारे कान्हा जी, जो कि थे टोकरी में बैठ के तैयार हुए, टोपी वोपी नहीं लगाई थी इन्होंने क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, तो वो भी फ्री होके गए थे बिल्कुल हमारी तरह। भाई कैसा लग रहा है तुमको इतनी तगड़ी धूप? और अगर ट्रेन में गोला मिल गया ना, क्या लेगा? गोला गोला। कितनी तेज धूप हो रही है भाई, इसलिए मुझे बाहर आना पसंद नहीं है, नजारा। ऐसे नशेड़ी लोग आपको अच्छे तो बेचारा बच्चा है, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक भाई, वो बच्चा था, मुझे लगा नशेड़ी है। ऐसी गरीबी भगवान किसी को ना दे, किसी को भी ना दे, हमको भी ना दे। मुझे बाहर आना इसलिए नहीं पसंद क्योंकि यहाँ इतनी धूप बहुत है, बहुत। खाना को भी हवा खिला दो, पानी पिला दो, कहाँ है इनकी शक्ल इन्हें नज़र आ रही। थैला खोल ले, पानी पी ले, कृष्णा पानी पिला दो कानों को। ओके प्रथम प्रथम तेरा भाई गया, देख दोरा, देख शक्ल भी मैच हो रही है। अब उसे बनाऊंगा ना भूल देगा तेरे ऊपर, आपके ऊपर। कहाँ जा रही हैं आप? मिस्टर हीरोइन, मिसेस हीरोइन के तो बोतल खोल दे, सारा पानी गर्म हो गया। कितने सारे बैग हैं? एक दो तीन, वो भाई देखो कितने सारे बैग हैं। ऐसे लद लद के जाते हैं हमारे इंडिया में लोग, देखो कैसा घर बसा रखा है। अरे मैं पापा की जूते पहन गई हूँ, ऐसे रहते हैं यहाँ पे लोग, रहते नहीं हैं, मजबूरी भी तो होंगे, जाते तो मजबूरी से है। अभी हम भी ऐसे बैठेंगे ना, हम नहीं बैठेंगे ऐसे पूरा। वीडियो में आने के लिए वापस उतर रही हूँ मम्मी, अब वापस चढ़ो। क्या शीशा तो साफ सुथरा है, चलो बोल भाई। ये हमारी है 34-35, 164 है। अभी जो अकेले होंगे उनसे बात, ये हमारी नहीं क्या वाली है, अरे एक मिनट के ऊपर जो होगी ना, चलिए मेरी सीट। हाँ मैं देख क्या हूँ, अरे ऐसी वाली है जैसे ये है, तो ये वाली सीट तो अच्छी है ना, मैं तो वहीं सोऊंगी। हाँ तू अकेली वहाँ जाएगी? नहीं मम्मी चल लेंगी, ये वाली सीट है मेरी। आह आह मजे से लेटो, मेरे अकेले की सीट है ये, वाह मुझे मज़ा आएगा बहुत। मेरी तो सीट ही नहीं है, तेरी तो टिकट ही बुक नहीं करी। कितने साल के हो आप, कितने साल के हो? नो रिस्पॉन्स, बड़ा ही बदतमीज बच्चा है ये। ये बैठे हमारे कान्हा जी, ये बैठे हो। मेरे फ़ोन की ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इतनी जल्दी गर्म हो जाता है, इतनी जल्दी। ये क्या, पानी कहाँ से आ रहा है? तो मैं कह रही थी मेरे फ़ोन की बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत है कि ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, हीट भी हो जाता है और इसमें बैटरी भी बहुत जल्दी ख़त्म होती है। तो पता नहीं मेरा ब्लॉग कैसे बनेगा, स्टे ट्यून्ड, देखते हैं मेरा ब्लॉग पूरा बन पाता है कि बीच में मर जाता है। पता है मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ ना, तो लोग मेरे को देख रहे हैं कि कर क्या रही, ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है। सारे
टेस्ट बोलना। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। और आगे वाले आगे वाले जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अभी मैं लाएगी चीज और मेरी चीज पे नजर पता किसकी है? इस इंसान की, इस प्राणी की। शक्ल दिख रही है तेरी? और मैं सुन नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो मैं कौन सा दूंगा? अभी फोन रख देता, फोन की बैटरी बचाते हैं थोड़ी। बातें वगैरह मेरी आवाज आ भी नहीं तो। बाद में ब्लॉग चालू करेंगे, अभी फोन की बैटरी बचाते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मेरी चटोरी दीदी कैसे खा रही है। फिर से करना, फिर से। बस ये मेरे मम्मी दिखाएगा क्या? क्या क्यों मम्मी आर द बेस्ट। क्या बना के लेकर आयो? फली कभी ख़राब नहीं होती क्या? ग्वार की फली और पूड़ी। ट्रेन में खाने का अलग मज़ा है। मम्मी ना हो तो हम तो भूखे ही मर जाए। मम्मी ना हो तो हम तो भूखे ही मर जाए। अच्छी सब्जी बनाई है भाई। ट्रेन में मज़ा आ रहा है? अभी कहाँ आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या है, मेरे कैमरे में एंगल खराब कर देता है बार बार बीच में अपनी गंदी। चलो आपको दिखाती हूँ छोटी छोटी मछलियाँ। इस गंदे से पानी में भी ना देखो मछलियाँ तैर रही। दिखी? देखो ओ भाई साहब कितनी सारी काली काली चिन्नी चिन्नी सी, मतलब इतने सड़े नाले के पानी में भी इतने सारे जीवों की जान चल रही है। वाह, यहाँ पे ये हमारे पिल्ले महाराज ये इस बर्थ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये बिल्कुल नाकामयाब हुए। अरे दूसरे पे पैर रखना, वहाँ पे दूसरा भी तो है। ये जहाँ तेरा घुटना है वहाँ उस पे पैर रख। अबे जैसे सीढ़ी होती है हाँ उस पे पैर रख। ए रे नलायक यहाँ पैर रख, यहाँ यहाँ पैर रख। पहले यहाँ पैर रख, दूसरा पैर रख। बस निकल गई हवा। इस पे पैर रख ना। अरे रख तो सही, उस पे रख पैर जैसे सीढ़ी चढ़ते इस पे, फिर ऊपर सीधा। क्या पहले उस पे पैर रख। ये देखो कितना फिसड्डी है। मैं कह रही हूँ इस पे पैर रख, इस पे रख ही नहीं रहा। हाँ रख, अब ऊपर जा। देख देखो इस पे एक सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही। ये कितनी पानी की बोतलें भर गए। भाई मजे का तो पता नहीं, बहुत तेज गरम गरम हवा लग रही है। क्या है पापा पे देखो वो भी है खाने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चल रही ट्रेन, चल रही ट्रेन, छुक छुक गाड़ी। कौन सा गाना है वो? रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, छुक फिर हो गया हमारे साथ एक तगड़ा वाला सीन। हमें तुरंत ही ट्रेन से उतरना पड़ा। वो क्यों आगे देखो इसको रेकमेंड। फिर पापा आज नहीं जा सकते हम? अब कहाँ जाएगी जब टिकट ही नहीं होगी तो तेरी? फिर हाँ तो फिर पैसे, तुझे भी पैसे की पड़ी है, उसे भी पैसे की पड़ी है। सोच हम कहाँ रोड पे पड़े होते अभी, यहाँ से तो हम चले जाएंगे। अरे क्या क्या कह रहे हैं, मुझे आएगी निकल गई ट्रेन, निकल गई तुम कहाँ पहुँच गया? अब तो हम उतर गए ट्रेन से।
देखने यहाँ से कोई जाती हो तो। अरे तू ही लगा जा। एक बार देखो ना यहाँ से जाती हो तो। ऐसे लटक के जाएगी ट्रेन बस की तरह। जैसे कोई हमारी सीट पे बैठ के जाएंगे ना कोई, वो भी तो कोई मिस्टेक भी तो हो जाती है उनसे भी। हे भगवान। खेल ले। नहीं नहीं बात। वो गरीब में बात ही नहीं। हम ट्रेन में बैठे कितने रुपए? 1000 रुपए की मेरी टिकट, 1000 की मम्मी की, 1000 की पापा की। और वो ट्रेन हमने गलत जगह की बुक कर दी। हमें कहाँ जाना था? भोपाल। वो हो गई जबलपुर। मम्मी की शक्ल देखो, ये देखो मम्मी तो रोने लग गई। अरे हम गलत में बैठे नहीं, हमने ट्रेन ही गलत बुक कर दी। अब हमें उतरना पड़ा। अब हम दिल्ली से बल्लमगढ़ उतर चुके हैं। मतलब देख रहे हो सियाफ पे मेरे साथी, मेरे खानदान के साथी हो। अब हम कहाँ जाएँ? हमने 3000 रुपये बर्बाद कर दिए। कट जाएगी इससे, बिल्कुल उल्टा चली जाएगी जहाँ आपको जाना है। अब आप देख लो आपको क्या करना है। अगर आप यहाँ से झांसी उतरते हो तो झांसी उतर के आपको दूसरी ट्रेन करनी पड़ेगी, 6-7 घंटे फिर उसमें लगेंगे आपको। अगर आपको वहाँ भोपाल जाना है तो झांसी से, ये बता देते हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो बहुत परेशान हो जाएंगे सबको लेके कि पहले झांसी जाओ फिर झांसी, मतलब झांसी में तो हम बैठे थे ट्रेन को, झांसी को ले जाती, लेकिन उसके बाद फिर दूसरी ट्रेन कौन सी पकड़ो फिर टिकट। तो फिर मैंने कहा उतरना ठीक है। कपड़ा क्या बना रही है? चल हंसी आ जाइए आपको थोड़ी। नहीं आ रही मुझे हंसी, मुझे दुख हो रहा है, हंसी नहीं आ रही। वही तो स्टेशन है। इन लोगों को सब पता मैं थंबनेल में क्या लिखूंगी। गोबर लिखेगी और क्या लिखेगी, गोबर ही होगा। भाई मेरी गलती थोड़ी है, अब मैंने व्लॉग बनाना चालू किया तो एंड भी तो करूंगी अब उसको। हाँ कर ले ले, हो गया एंड। हाँ तो ये बता रहे हो अच्छा एंड नहीं हुआ, गलत पैसे बर्बाद हो गए, ट्रेन बर्बाद चली गई, अब वापस घर जाना पड़ रहा है। चलो घर चलते हैं।